क्या होते हैं सोशल वर्क के, ठीक है। तो सोशल वर्क के मेन जो होते हैं चार ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है सेल्फ सफिशिएंसी, दूसरा होता है सोशल फंक्शन, तीसरा होता है सोशल हार्मोनी, चौथा होता है सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे सेल्फ सफिशिएंसी क्या होती है। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी भी आदमी की इंश्योर करो बेसिक फिजिकल वांट क्या है इसकी, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इंश्योरिंग हिज और हर बेसिक फिजिकल वांट। देखो यहाँ पे नीड नहीं लिखा है, अंडरलाइन भी कर देता हूँ मैं, नीड नहीं लिखना है। नीड जो होती है वो होती है आपका शेल्टर हो गया, क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, फूड हो गया। वांट जो होती है वो नीड के बाद की स्टेप होता है। तो हमें नीड सेटिस्फाई नहीं करनी है, उसकी वांट सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। फिर हमें यह करना है सोशल फंक्शनिंग, मतलब क्या है उसकी जो साइको सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है, साइको सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना है और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। सोशल हार्मोनी में क्या होता है, सोशल हार्मोनी में क्या करना है कि इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप, मतलब वो आदमी किस ग्रुप से करता है, ठीक है। तो इंट्रा ग्रुप का मतलब होता है विद इन द ग्रुप, ये कोई ए ग्रुप है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, तो इन दोनों का आपस में, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमेशा हारमोनी होनी चाहिए, ठीक है। इंट्रा हो गया ये, इंटर ग्रुप का मतलब होता है मान लो ये ए ग्रुप था, ये बी ग्रुप है, तो बी ग्रुप के मेंबर ये हैं, ए ग्रुप के मेंबर, बी ग्रुप के मेंबर, इन दोनों के बीच में हारमोनी होनी चाहिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि टू इनलार्ज पीपल्स चॉइस, उसको इतनी चॉइस प्रोवाइड कर दो कि उसको लगे कि मैं, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कैलिबर है, मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसको डिफरेंट डायमेंशन प्रोवाइड करो, ठीक है, उसके इन्वायरमेंट में इतना मॉडिफिकेशन कर दो कि उसको लग जाए कि ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग फिर वो अपनी चूज करेगा। तो सोशल डेवलपमेंट के ये चार बेसिक पिलर हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सोशल वर्क का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ सोशल वर्क। स्कोप ऑफ सोशल वर्क हमें मिलता है वांट से, आदमी की किस तरह की वांट होती है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें पता जाए कि हम उसकी किस किस डायमेंशन को छू सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा एक मास्लोस का जो मॉडल था, ठीक है, नीड मॉडल। अगर हम उसकी सारी आइडेंटिफाई कर लें नीड, ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं कि उसको कहाँ जरूरत है इम्प्रूवमेंट की। तो मास्लो ने जो अपने नीड का मॉडल दिया था, इन्होंने दिया था सबसे पहले होती है बायोलॉजिकल नीड, ठीक है, बायोलॉजिकल नीड के बाद होती है सेफ्टी, सेफ्टी के बाद आदमी को चाहिए होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद चाहिए होता है एस्टीम, एस्टीम के बाद कॉग्निटिव, इसके बाद एस्थेटिक, इसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, और सबसे लास्ट में होता है उसका ट्रांसेंडेंस, ठीक है। अब इन नीडों का समझते हैं, बायोलॉजिकल नीड का मतलब है उसको बेसिक नीड चाहिए, उसको फूड चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको क्या कहते हैं ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, और उसकी कुछ सेक्सुअल डिजायर होती है, ठीक है। तो ये डिजायर में अगर उसको कहीं प्रॉब्लम होती है तो हमारा स्कोप आ जाएगा कि हम इनमें किसी को इम्प्रूवमेंट करें उसका, ठीक है। अगर वो इस स्टेज से आगे बढ़ चुका है, ठीक है, अगर उसकी डिमांड सेफ्टी से रिलेटेड है, ठीक है, तो हमें उसे ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए कि जहाँ पे वो अपने आप को सिक्योर महसूस करे, क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी देयर कांट बी एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट। फिर हम देखेंगे उसका अटैचमेंट, उसकी कहीं ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं कि वो अपने आप को आइसोलेशन फील कर रहा है, बीइंग अनलव्ड फील कर रहा है, ठीक है। तो
ये डिमांड उसके अटैचमेंट वाले हैं। एस्टीम का मतलब होता है कि नीड फॉर कॉन्फिडेंस, ठीक है, नीड फॉर कॉन्फिडेंस। उसके कॉन्फिडेंस में कोई कमी तो नहीं आ रही है, वहाँ पे हम उसको बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव का मतलब हो गया उसको नीड चाहिए किसकी, नीड फॉर नॉलेज की, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्टअप कर सकते हैं। एस्थेटिक का मतलब होता है नीड फॉर ब्यूटी, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है नीड टू फुल पोटेंशियल, मतलब उसको अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसको सेल्फ एक्चुअलाइज कराओ। या फिर ट्रांसेंडेंस, इसमें होता है कि हाईएस्ट स्टेज ऑफ द कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये एक लेवल से ऊपर रहते हैं, यहाँ तक तो बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो ये अपने कॉस्मिक व्यू रखने लग जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कि इस धरती का है ही नहीं, इस टाइप के लोग कमेंट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, इनको सब पता रहता है क्या सही है क्या गलत है। तो एथिकली जो सबसे लास्ट स्टेज होती है, तो मास्लो का मॉडल हमें यहाँ बना देना है, मास्लो की पूरी स्टेज समझा देनी है, फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो इंडिविजुअल, ठीक है, वो इंडिविजुअल किस स्टेज पे है, और वहीं स्टेज पे उसका वर्कआउट करना। क्योंकि सोशल वर्क जो है प्रोफेशनल, ठीक है, और साइंटिफिक वे में उसकी प्रॉब्लम को दूर करना है, ठीक है। उसके लिए हमें पूरे स्टेप पता होने चाहिए कि वो किस स्टेप पे फंस रहा है और कहाँ पे उसको नीड की जरूरत है। तो अब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड मॉडल, ठीक है, इज गिविंग द वे, ठीक है, इन विच सोशल वर्क कैन डू हिज वर्क, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं द स्कोप ऑफ सोशल वर्क। अब हम इसका दूसरा मॉडल पढ़ेंगे पीडी मिश्रा जी का, उसके बाद हमारा पूरा स्कोप का पूरा ये कवरअप हो जाएगा, ठीक है। पीडी मिश्रा जी ने एक मॉडल दिया, उस मॉडल को हम डायग्राम से समझेंगे, अब उससे हमें पता चलेगा कि सोशल वर्क किस किस फील्ड में काम कर सकता है, ठीक है। तो सबसे हमें पहले पता होना चाहिए सोशल वर्क का बेस क्या होता है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, बेस उसका क्या है कि डेमोक्रेटिक अप्रोच है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि डेमोक्रेसी कहती है इक्वलिटी ऑफ ऑल, ठीक है, जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल वे में होना चाहिए, जिससे कि कोई भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी का विकास हो, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक अप्रोच होती है सोशल वर्क में। दूसरी होती है ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी, मतलब मानवता से रिलेटेड उसके वेलफेयर के लिए। तो ये तो हमारा बेस हो गया। फिर उन्होंने बताया था कि यहाँ पे उन्होंने सर्विस रखी थी, लेफ्ट हैंड पे उन्होंने सोर्सेस रखे थे, ठीक है ना। पहले सोर्सेस पढ़ते हैं हम। पहला सोर्स उन्होंने बताया साइकोलॉजिकल, दूसरा सोर्स बताया उन्होंने सोशियो कल्चर, तीसरा बेस बताया उन्होंने फिजियोलॉजिकल, ठीक है। अगर हम इन वर्ड की मीनिंग जानते हैं तो हमें पता जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है, वो तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या सोशल कल्चर, उसके कल्चर से, सोसाइटी से, रिलीजन से, ठीक है, या उसकी फिजियोलॉजिकल जो होती है नीड में अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो सोर्स उन्होंने लेफ्ट हैंड पर रखे थे, राइट हैंड में बताया तो इससे क्या हो सकता है, पहले हम डेवलपमेंटल सर्विस कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी सर्विस क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव सर्विस कर सकते हैं, तीसरी टाइप क्या कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, तीसरा को ये COERECTION, ठीक है, चौथा हम क्यूरेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो हम उसमें उसको क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट एस्पेक्ट से देख सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो गई है दोबारा ना हो तो उसे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसको हम क्यूरेटिव दे सकते हैं, ठीक है,
क्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब मेडिकल सोशल वर्क होता है, इसलिए सोशल वर्क इन द मेडिकल फील्ड, तो अब अलग अलग फील्ड में यही सब चीज़ें आएंगी। तो को रिएक्टिव, ठीक है, तो को रिएक्टिव में क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल, ठीक है, फैमिली, ठीक है, ये सारे रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको ये को रिलेशन प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्यूरेटिव में मैंने बता दिया मेडिकल साइंस से रिलेटेड होती है, हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, गाइडेंस चाहिए होती है, वेलफेयर चाहिए होती है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्यूरेटिव प्रॉब्लम आएगी। रिहैबिलिटेशन में आपको पता ही है कि उसको ऐसा नया एनवायरमेंट के करके उसे रिहैबिलिटेट करना, ठीक है ना। डेवलपमेंट में उसका सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, एजुकेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो इतना सारा हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये पीडी मिश्रा जी का मॉडल था, ये आपको डायग्राम बना देना है, ये एक्सप्लेन कर देना है कि पीडी मिश्रा और मास्लो हायरार्की मॉडल हमें सोशल वर्क का स्कोप, ठीक है, इसकी डायमेंशन बताता है कि हम कहाँ कहाँ पे किस किस फील्ड में किस किस नीड किस किस वांट में हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया सोशल वर्क का पूरा स्कोप, ठीक है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, अब सोशल वर्क को अप्लाइड वे में करेंगे, ठीक है। तो मैं छोटा सा चार्ट सा आपको बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सोशल वर्क हम तीन चीज़ों में करेंगे, ठीक है। पहला आ रहा सोशल वर्क इंडिविजुअल के लिए हो रहा है, मतलब किसी एक आदमी के लिए होता है, तो इसको बोलते हैं सोशल केस वर्क, ठीक है ना। ये अलग एक चैप्टर है, एक अलग यूनिट है। अगर सोशल वर्क हम किसी ग्रुप के साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं सोशल ग्रुप वर्क, अगर किसी कम्युनिटी के संग करते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तीनों अलग अलग यूनिट है और हर साल एक एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सोशल केस वर्क क्या होता है, सोशल ग्रुप वर्क क्या होता है और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सोशल केस वर्क मतलब इंडिविजुअल के लिए करते हैं, सोशल ग्रुप वर्क हम एक ग्रुप के लिए करते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी कम्युनिटी के लिए करते हैं। उसी हिसाब से इसमें अलग अलग तरह की अप्रोच लगती है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट मैक्सिमम कैन गेट बेनिफिट। थैंक यू, गुड नाइट।